11 नवंबर को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत एवं हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी के निर्देशानुसार एवं परम आदरणीय राष्ट्रीय संगठन जय घोष महाराज के दिशा निर्देश अनुसार सभी वार्ड वासियों की समस्या सुनी एवं सभी को उनकी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के अंतर्गत उन सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प किया और अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर तक हर गरीब को लाभ पहुँचाने का प्रण किया। वही कभी किसी गरीब के साथ अन्याय न होगा और न होने दूंगी हर गरीब से वादा किया। हमारी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी शर्मा ने एवं ग्वालियर चंबल संभाग प्रभारी महिला मोर्चा ने जिसमें हमारी मातृशक्ति उपस्थित रही, चंबल संभाग अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रभा राजपूत एवं जिला अध्यक्ष मीरा वाल्मीकि एवं जिला महामंत्री नर्मदा रायकवार एवं छात्र संघ परिषद उपाध्यक्ष दीपक अहिरवार उपस्थित रहे। जो 6 दिन कंट्रोल 8 दिन कंट्रोल खुलती है, मतलब ये कि 8 दिन बंद रहेगी। आप जाते हैं तो खुली मिलती है कंट्रोल? नहीं, खुलती है कि हम ही अकेले की समस्या नहीं है, और भी तो लोग गरीब आदमी है हमारे साथ में, उनको भी समस्या तो कोई भी गरीब आदमी वार्ड में इकट्ठा करना कितने बार से हो? 36 से समस्या जो है एम उठा नहीं आ रहा, वहाँ में मशीन में वो कह रहा है गिरी साहू एम उठा नहीं आ रहा, तो हम कैसे राशन दे? पर्ची है आपके पास? पर्ची है, सब बातें हैं। पहले लेते थे आप राशन? लेते थे। मिलता था आपको राशन? मिलता था। अब क्यों नहीं मिल रहा? जाने क्यों नहीं मिल रहा, मशीन भी नहीं आ रही है। उनके नगर पालिका में करवाई भटनागर से, तो सही आई आईडी। अच्छा, आईडी वैसे पूरी चालू है आपकी? पूरी चालू है आईडी। तो आपका क्या इरादा है? चलो ठीक है, तीन चार महीना नहीं मिले वो कह रहा है, तीन चार महीना में हम गरीब आदमी क्या करें।